हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुनिधि कम प्रीवियस ईयर पेपर्स में फॉर जेई मेन। ठीक है, तो इसमें अपन शुरू करेंगे आज सर्कल के क्वेश्चंस, जिसको अपन ने नाम दिया यूनिट 6, जो है आपकी क्या है यूनिट 6। तो यूनिट 6 में सर्कल चैप्टर। ठीक है, तो इसमें लास्ट आपको पता है लास्ट ईयर एंड बिफोर लास्ट ईयर के क्वेश्चन अपने लिए हैं इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम्स मैथ्स CLC। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। The number of integral values of k for which the line 3x plus 4y equals to k intersects the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equals to 0. ठीक है, at two distinct points, यानी कि दो different point पे कट करता है line circle को। तो आपको पता है कि यदि कोई भी line किसी circle को क्या कर रही है, दो different point से कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस line को मैं इस circle के साथ solve करूं तो उसमें d क्या होना चाहिए अपना, ग्रेटर देन 0, या तो एक तरीका ये होता है, या फिर अपन क्या करें, सिंपल फंडा है क्या कि इसका मेरे को ओरिजिन सॉरी सेंटर क्या पता है, सेंटर क्या है इसका, सेंटर आप देखो तो सेंटर है इसका 1,2, सेंटर आ रहा है इसका 1,2। पता है सेंटर कैसे फाइंड करते हैं अपन, कोफिशियंट ऑफ x का हाफ विद माइनस विद अपोजिट साइन, नेगेटिव साइन है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा y का कोफिशियंट 2, तो इसका सेंटर क्या आ रहा है 1,2, एंड द रेडियस इज रेडियस क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो 1 square is 1, 2 square is 4, तो 1 plus 4 5 माइनस सी, माइनस सी बोले तो माइनस 4, तो 5 minus 4 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो रेडियस आ रहा है 1, सेंटर आ रहा है 1,2। ठीक है, तो रेडियस आ रहा है इसका 1। चले आगे, तो अब आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बतानी है आपको इफ दिस लाइन कट्स द सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो एक काम करो, आपको पता है कि दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये टेंजेंट से जस्ट कम डिस्टेंस पर होगा इसके, यानी कि ये क्या बन रही होगी, इसी सेकंड बन रही होगी, तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या होगा, लेस देन रेडियस बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप सिंपल सा फंडा क्या लगा दो इसमें कि डिस्टेंस, इसको मैं नाम ले देता हूं m, इस पॉइंट को m नाम दे देता हूं मैं, है ना, जिसकी जिसको परपेंडिकुलर डाला है अपन ने किस पर, लाइन पर। तो क्या कह सकते हैं अपन, om, om मस्ट बी लेस देन रेडियस r बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, यहां से चेक करें फटाफट से, तो OM, OM क्या हो जाएगा डिस्टेंस बताओ, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x प्लस 4y माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो शुरू करें, बताओ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 1,2 से डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ रखा है अच्छे से, क्या हो जाएगा 3 into 1 3, 2 into 4 8 माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट 5 लेस देन व्हाट r, r कितना है पर 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा अपना, यहां से आप सॉल्व करोगे इसको, तो मॉडुलस है ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल 0, नीचे तो 5 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो सिंपल सा अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको इनइक्वालिटी को। तो क्या आ रहा है देखो, यहां से 11 माइनस k का मॉडुलस लेस देन 5, तो ये आ गया आपका 11 माइनस k इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन माइनस 5। इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से, क्या हो जाएगा बताओ, इस यहां से क्या आ गया k ग्रेटर देन, यहां से आ गया आपका k ग्रेटर देन व्हाट 6, और यहां से क्या आ जाएगा देखो आप, k लेस देन 16 आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या होगा k प्लस 11 माइनस k आ रहा है ना, k इक्वल टू 11 पर क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है ना, तो k इक्वल टू 11 भी अपने को इंक्लूड करना है। ठीक है, अभी यहां पे कुछ कह देता आपसे, क्या कह देता कि इट मस्ट इट शुड नॉट बी पास थ्रू ओरिजिन सेंटर ऑफ सर्किल, है ना, तो इसमें 11 अपन इंक्लूड नहीं करते। चलो तो बताओ लेस देन 16 एंड ग्रेटर देन 6, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के कितनी हो जाएंगी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितनी आ गई, 6 आ गई है ना, सॉरी 9 आ गई, कितनी वैल्यूज आ गई 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दी डायमीटर ऑफ दी सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन दी लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, सेंटर लाई कर रहा है सर्कल पर कहां पर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 पर, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टचेज बोथ द लाइन एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2, बताओ क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 3 लाइन क्या हो गई ये मान लेते हैं, एंड एक्स इक्वल टू 2 ये हो गई। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2, दिस इज वाई, y इक्वल टू 2। ठीक है, अब बताओ और लाइन क्या होगी अपनी, x प्लस y इक्वल टू 2 क्या हो गया, इंटरसेप्ट्स 2 यूनिट्स, तो यहां से पास करेगी और एग्जैक्टली लाइक ये ऐसे होगी अपना, है ना, ये पॉइंट अपना 0,2,
ये पॉइंट होगा 2.0 एंड दिस पॉइंट विल बी 3.0। ओके, तो अपने को क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर लाई कर रहा है किस पे, इस लाइन पर, और इन दोनों एक्सिस को, इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, लाइंस को टच कर रहा है अपन कह सकते हैं ना। तो कुछ ऐसे होगा, अब एक काम करते हैं अपन, है ना, इसका सेंटर अपन निकाल लेते हैं। सेंटर बताओ कैसे निकालेंगे, मैं एक्स कोऑर्डिनेट मान लेता हूं इसका अल्फा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 - अल्फा। ठीक है, तो ये सेंटर आ गया इसका क्या, अल्फा कॉमा 2 - अल्फा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, आपको ये पता है कि ये क्या होगी, इसकी रेडियस आर होगी और ये भी क्या होगी, रेडियस आर होगी। तो आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आर रही होगी, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, ये भी आर रही होगी और ये भी आर। क्लियर बात, अब ध्यान से देखना आप, है ना, ये जो रेडियस, ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है, 3 यूनिट्स है, कहां से, वाई एक्सिस से, ये क्या है ओरिजिन, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा इसका, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बचेगा इसका, ये हो जाएगा आपका अल्फा, तो मैं 3 में से अल्फा माइनस कर दूं तो आर आ जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं अपन, आर इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूं, 3 - अल्फा आ गया। दूसरी बात, यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, ये 2, वाई इक्वल टू कितना है 2, तो 2 - दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है 2 - अल्फा, तो 2 - आर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 - क्या हो जाएगा, 2 - अल्फा। ठीक है ना, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 - अल्फा शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, सिंपल कह सकते हैं। तो यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 - अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, +-अल्फा, तो क्या हो गया ये, अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है, यहां से 3/2 आ जाएगा, जब मैं क्या लूंगा प्लस साइन, और माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 3 = 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, आपको सेंटर मिल गया और आपको रेडियस भी यहां से मिल जाएगा, आराम से निकालोगे, आराम से रेडियस क्या निकालना था, डायमीटर ऑफ सर्कल कर लोगे आप, तो आराम से आपको अल्फा मिल गया है, अल्फा पुट करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा आर। क्लियर है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 3 में, दी सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दिस, दो सर्कल अपने को गिवन है और इसमें कह रहा है कि सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, ठीक है, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस, इसका सेंटर किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पर। अच्छा, अपने को उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो क्या है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, उसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब वो जो इक्वेशन आएगी ना, सर्कल जो आएगा वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, अपने को ये निकालना है, ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपन क्या करें, आपको पता है फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना, पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, क्या लिखेंगे आप, S1 + λ S2 = 0, इसको मैंने बोल दिया S1, इसको बोल दिया मैंने S2, तो करें शुरू आगे, बोलो क्या हो जाएगा, X² + Y² - 6X + λ × S2 X² + Y² - 4Y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब ये वो सर्कल आने वाला है जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो मैं किस पे लाई करा दूं, इस लाइन के ऊपर, तो करते हैं सॉल्व आगे, तो क्या आ जाएगा ये, सिंपलीफाई करके 1 + λ × X² + 1 + λ × Y² - 6X - 4λ Y = 0, ये आ गया। क्लियर बात, अब इसका सेंटर क्या होगा बताओ, 1 + λ से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके सामने, X² + Y² - 6/1 + λ × X - 4λ / 1 + λ × Y = 0। क्लियर, अब देखो आप ध्यान से, ये जो इसका सेंटर आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, 3/1 + λ, तो क्या आ गया सेंटर इसका, सेंटर आ गया आपका 6/, थोड़ा इसको सिंपली, थोड़ा सा इसको अपन, ठीक है, अब देखो यहां जाओ, तो उसका सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया इसका, सेंटर, सेंटर क्या आ जाएगा, 3/1 + λ, 2λ / 1 + λ, और ये जो है वो किसके इक्वल होगा अपना, सॉरी ये जो सेंटर आया है वो किस पे लाई करेगा, उस लाइन के ऊपर, और लाइन क्या थी अपनी, लाइन थी अपनी, लाइन, लाइन थी अपनी 2x - 3y + 12, तो देखो 2x - 3y + 12 = 0,
तो एक काम करें, सेटिस्फाई करा दो आप, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो गया 6 अपॉन 1 प्लस लेमडा माइनस 3 टू जा 6, फिर से 6 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक काम करें, इसको 1 प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दें, तो आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। और अपने को एक मिनट रुको, अपने को क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, एक मिनट, हाँ, अपने वो इसमें लास्ट में बताना था, इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो कुछ नहीं है, वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप यहाँ रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको सर्किल मिल जाएगा। फिर आपको चेक करना है कि वो कौन से वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कर लो के आराम से चेक। चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन 4th में जो क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, लेट पी क्यू बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। देखो समझो, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि एक कोई भी सर्कल है और उस सर्कल में कोई एक डायमीटर है, एक कोई सर्कल है और उसमें एक डायमीटर है, और उस डायमीटर से मैंने क्या किया, सर्कल क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये एक कोई सर्कल क्या है अपना दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सेंटर क्या है इसका 0 0, क्लियर। अब आपसे कह रहा है ये कि इसका कोई भी एक डायमीटर है, मान लो ये डायमीटर है इसका, ठीक है ना, अब ये जो डायमीटर है वहां से अपन ने क्या किया, डायमीटर के एंड पॉइंट्स यानी कि क्या होगा, पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको नाम दे देते हैं अपन पी, इसको नाम दे देते हैं अपन क्यू। अब ये कह रहा है आपसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी पता है आपको, इसका रेडियस कितना है आपका 3, समझो मेरी बात को, है ना, रेडियस क्या है इसका 3, तो इसका मतलब लाइन क्या होगी इसके अंदर होगी, लाइन क्या होगी इसके अंदर होगी। तो एक काम करें अपन, अब से है ना, इसको ले लेते हैं अपन x प्लस y इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, तो ये पॉइंट पता है ना, ये 2, 0, ये 0, 2 होगा, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं अपन क्या P, इसको मान लेते हैं अपन Q, ठीक है, और इससे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर लाइन पर, ठीक है। अब ये मैंने लाइन लाइन क्या ले ली, एकदम स्ट्रेट ले ली है, जरूरी नहीं है ऐसे हो, है ना, लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना, लाइन इंक्लाइंड और भी जा सकती है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी है नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी क्या होगी, तो एक काम करें पी और क्यू क्या ले लेते अपन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लें, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मानते हो याद है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, आर कितना है यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा ये 3 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा, तो आपने एक तरफ ले लिया 3 कॉस थीटा 3 साइन थीटा, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा कॉमा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है। तो एक बार बताओ मेरे को आप, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहां से, इस लाइन से, तो निकाल लोगे आराम से, क्या करना है बस आपको बताओ, पी इसको नाम दे देते हैं एम और इसको नाम दे देते हैं अपन एन, तो बताओ जरा मेरे को पी एम क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ व्हाट दिस पी एम डिस्टेंस, ये लाइन क्या है एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, तो रखो इसमें क्या हो जाएगा ये 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2, सी बोले तो कॉस, एस बोले तो साइन, और नीचे क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब पी एन निकाल लो आप, पी एन क्या आ जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 अपॉन रूट 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, छोटा सा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये क्या है अल्फा और ये क्या है अपना बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यहां लिख देता हूं, है ना, अल्फा इंटू बीटा, बताओ क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, अच्छा इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके क्या करोगे आप, क्या कर दोगे इसको वैनिश कर दोगे इसके साथ, है ना, मॉडुलस के साथ खत्म कर दोगे, है ना, माइनस ऑफ, है ना, अल्फा और माइनस अल्फा का अपने को मॉड लेना हो, दोनों बोथ आर द इक्वल, है ना, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सीधे इसको आप माइनस कॉमन ले लेना सब में से, है ना, तो ये प्लस में हो गया। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये a माइनस b इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस b इंटू ए माइनस b क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से कुछ ऐसा आएगा 3 cos प्लस 3 sin का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2। अब इसको कर लो क्या, 3 cos प्लस 3 sin का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 9 cos स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले लोगे तो 1 हो गया, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा सिर्फ, देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, एक काम करें अब इसको हटा दूं मैं यहां से, एक काम करते हैं,
चलो देखो देखो, एक काम करते हैं अपन, इसको लिख लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया ये, 9 × sin² + cos² आ जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 sin cos − 4 / कितना ये 2 हो गया सॉल्व। अब इसको जीरो वन हो गया तो 9 − 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा आपके सामने। और 18 sin cos को आप क्या लिख दोगे, 9 × 2 sin cos, और 2 sin cos को क्या लिख दोगे, sin 2 थीटा, एंड sin 2 थीटा की रेंज क्या होगी, -1 से +1, जिसका मैक्सिमम रेंज कितना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। तो उसमें आप क्या कर दो ना, मैक्सिमम वैल्यू रख देना आप, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा विल बी वॉट, ये आ जाएगा आपका 9 और 5 कितना हो गया 14, 14/2 कितना हो गया 7। तो अपना आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आ रही मेरी बात समझ में, चले आगे। चलो तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखो क्या कह रहा है ये, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ऑफ द सर्किल x² + y² = r² वेयर r इज ग्रेटर देन 0 अलोंग द लाइन y − 2x = 3 इज r, देन r स्क्वायर क्या होगा। तो एक काम करें अपन, छोटा सा पहले तो सर्किल गिवन है जिसका सेंटर क्या है 0 0, और एक लाइन गिवन है। अब ये आपसे कह रहा है कि इस लाइन के अलोंग क्या है, इसकी कॉर्ड है सर्किल की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं छोटा सा पहले। डायग्राम में ये लाइन मान लेते हैं अपन, ये लाइन है अपनी 2x − y + 3 = 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेंटर है इसका क्या 0,0, ये अपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट है इसको मान लिया R, ये मान लेते हैं PQ, ठीक है। अब देखो ये जो R पॉइंट है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा, बताया आपको परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर है ना, तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, और इसको रेडियस R बोल दिया अपने, ठीक है सर्किल का। अब आगे सुनो, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे आराम से, निकाल सकते हो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस सीधे निकाल दो, 0 0 इसमें रखोगे तो आप क्या हो जाएगा 0 + 0 + 3 अपॉन में क्या आएगा, √√2 ऑफ दिस + √2 ऑफ दिस, तो 4 + 1 = 5, नीचे क्या जाएगा √5, तो ये कितनी लेंथ आ गई अपनी 3√5, कर लोगे ये अलग, हम आराम से कर लोगे खुद से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको मान लेते हैं अपन सी, तो ये सी आर आ चुका है अपने पास किया 3√5, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ जरा मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगी डिस्टेंस मेरे ख्याल से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √r² − 9/5, क्या हो जाएगा 9/5, कितनी आ गई 9/5। अब इधर आ जाओ देखो, तो अपने पास पी आर की लेंथ आ चुकी है ना, पी आर की लेंथ कितनी आ चुकी है अपने पास, पी आर का लेंथ आ चुका है अपने पास √r² − 9/5, ठीक है। इसको आप और भी ले सकते हो अच्छे से, क्या ले सकते हो आप, √5r² − 9/√5, क्लियर। अब देखो आगे, अब आपको ये मिल गया, अच्छा एक काम और कर लेते हैं छोटा सा, क्या कि अपन आर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है आपको, x − x1 x − 0 हो जाएगा यहां पर, यहां जो पॉइंट है वो क्या है 0 0, और जो लाइन है वो क्या है 2x − y + 3 = 0, ठीक है। तो x − x1 में क्या आता है, ए आता है, y − y1 में क्या आता है बी, तो बी कितना है यहां पर −1 = −, क्या होता है बताओ, इस लाइन में ये पॉइंट पुट करोगे आप तो 0 0, तो 0 हो गया, क्या बच गया 3/a² + b², तो कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी −6/5 आ गया सामने, एंड y का वैल्यू आ रहा है अपना +3/5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट r है उसके कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को, कितना मिल गया मेरे को, पॉइंट मिल गया −6/5, 3/5। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट मिल चुका है, तो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में या इस लाइन के अलोंग कह सकता हूं मैं, इस लाइन के अलोंग मेरे को पॉइंट निकालने हैं दो, एक तो P निकल के आएगा, एक R निकल के आएगा। तो अपन बात कर रहे हैं फिलहाल P की, तो मेरे को P पॉइंट निकालना है, तो इस डायरेक्शन में निकालना है, किसके, लाइन के डायरेक्शन में। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ मेरे को, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, 2 आ रही है, तो टेन थीटा 2 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहां से, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2 / कितना हो गया √5। और cos थीटा कितना हो जाएगा बताओ, cos थीटा हो जाएगा 1/√5 base / hypotenuse, तो अपने पास sin आ गया और cos आ गया। तो एक काम करें अपन छोटा सा, इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पर पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ जरा, तो मैं यहां पर मैं ऐसा करता है, करते हैं इस पॉइंट से ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो बताओ मेरे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, क्या कैसे निकालते हैं अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में, x1 + r cos थीटा y1 + r sin थीटा, तो क्या हो जाएगा यहां से,
ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट आपके मैं सामने में लिख देता हूं, माइनस सिक्स अपॉन फाइव कॉमा थ्री अपॉन फाइव, क्लियर। तो अपने को कोऑर्डिनेट मिल गया। अब करो x1 प्लस यानी कि माइनस सिक्स अपॉन फाइव प्लस आर कॉस थीटा, यानी क्या हो गया यहां पे अंडर रूट ऑफ कितना आया था सॉल्व करके, ये फाइव आर स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन रूट फाइव इंटू कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा क्या है यहां पर, वन अपॉन रूट फाइव, ठीक है, कॉमा कॉमा ये क्या जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या जाएगा आपको बताओ, माइ थ्री अपॉन फाइव प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कितना हो जाएगा आर, आर तो कितना है अपना अंडर रूट ऑफ फाइव आर स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन में रूट फाइव इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है यहां पर टू अपॉन रूट फाइव, तो ये हो जाएगा टू अपॉन रूट फाइव, क्लियर। तो ये अपना पॉइंट आ गया कौन, पी या क्यू। तो एक काम करते हैं, चलो प्लस माइनस लगा ही लो, है ना। तो ये पॉइंट आ गया अपना किससे, आर डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस के बाद, है ना। तो ये पॉइंट मिल गया आपको। अब एक काम करते हैं अपन, इस पॉइंट जो मिला है ये पी मिला है चाहे क्यू मिला है ना, ये क्या करेगा सर्किल की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो पॉइंट आया है ना नीचे, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई कर लोगे ना, रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। तो ऊपर सिंपली क्या बचेगा, माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। तो अपने को करना क्या है बस, अब ये जो पॉइंट आया है इसको सेटिस्फाई कराना है किसमें, सर्किल की इक्वेशन में। और सर्किल की इक्वेशन बहुत ही क्यूट सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द रेडियस, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको आर स्क्वायर, ठीक है। इस काम को कर सकते हो आराम से, चले आगे। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो बताइए, ये भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो कि आपने क्या किया, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना अपने को वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इस टू एक्स प्लस थ्री को आप क्या करो सर्किल की इक्वेशन रख दो आप। यहां से क्या होगा, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x की दो वैल्यू जाएंगी आपके पास, ठीक है ना। वो दो वैल्यूज होंगी उनको आप पुट करोगे किसमें, लाइन में, तो आपको y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे p और q, वो पॉइंट्स p और q मिलेंगे। तो उनके डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालोगे आप, पी क्यू डिस्टेंस। अब पी क्यू डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, तो उसका जब हाफ करोगे आप तो हाफ करने पर क्या मिल जाएगा पी आर। तो अब हाफ कर दिया तो पी आर मिल गया, अब पी आर का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर, तो वहां से भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन सिक्स देखो क्या कह रहा है, इन द सर्किल गिवन बिलो, इन द सर्किल गिवन बिलो लेट ओ ए इक्वल टू वन यूनिट, ओ ए इक्वल टू वन यूनिट, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है वन यूनिट, यूनिट ओ बी इक्वल टू थर्टीन यूनिट, ओ बी कितना है टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है थर्टीन यूनिट है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना है थर्टीन, क्लियर हो गई बात। तो ए बी कितना बच गया बताओ मेरे को, ये कितना बच गया ट्वेल्व बच गया ये, आगे चले। एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, जो पी क्यू है ना वो ओ बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी का एरिया निकालना है। तो बस आई क्यू वाला क्वेश्चन छोटा सा है ना, कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे आप, आपको इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो बस सिंपली मेरे को पता है एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट के लिए मैं पहले बेस निकाल लेता हूं पी क्यू, हाइट के लिए मेरे को पता है कितनी है 12। तो एक काम करते हैं अपन, पी क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे अपन, एक काम करो सेंटर होगा सर्किल का, सर्किल का सेंटर यहां पर रहा होगा, इसको अपन मान लेते हैं सी, सी कहीं है तो नहीं, नहीं है कहीं, है ना, सी मान लिया इसको, और ये जो पॉइंट ए है ना वो ये वाला पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए है। अब मेरी बात सुनो, सेंटर सी ले लिया आपने, तो सर्किल का डायमीटर कितना है 13, तो 13 का हाफ कितना हो गया 6.5, 13 का हाफ कितना हो गया 6.5, 6.5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया ये 5.5। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि जो ए सी है ना उसकी लेंथ आ गई मेरे पास कितनी 5.5 यूनिट, आ रही मेरी बात समझ में। अब आगे चलो, अब मैंने क्या किया पी को सी से ज्वाइन कर दिया, P को C से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लेंथ है वो क्या है रेडियस ऑफ सर्किल है, और रेडियस कितना आया था डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ बोले तो कितना 13 अपॉन 2, तो कितना आ गया यहां से PC आ गया आपका 13/2 यानी कि 6.5, क्लियर होगी बात मेरी। आगे चलो आपको क्या चाहिए इसमें, ये चाहिए थी क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये 90 डिग्री एंगल है ना और सेंटर से पास हो रहा है, तो सिंपल सी बात है क्या कि ये डिस्टेंस से इक्वल होगा। तो अब मेरे को PA चाहिए, PA, तो PA के लिए मैं तो क्या करूंगा, P हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर, लगा दो इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 और 5 12,
तो 12 आ गया, कौन PA, तो PA की वैल्यू आ गई रूट 12, तो PA की वैल्यू रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 2√3, तो ये आ गया PA इक्वल टू 2√3। अच्छा पूछा क्या था इसने, अपने से कहता था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका डबल कर दोगे PA का तो कितना हो जाएगा 4√3, तो एरिया कितना आ जाएगा हाफ, कर लोगे इसको तो आप हाफ बेस इंटू हाइट, 4√3 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12, तो कर लो इसको 2 × 12 6 × 24 24√3 आ गया ये, चले आगे कितना आ गया 24√3, ये थर्ड ऑप्शन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट S1 सर्किल दे रखा है आपको, S2 सर्किल दे रखा है, ठीक है ना, S1 एंड S2 सर्किल्स गिवन है आपको, देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल S व्हिच टचेज S1 इंटरनली एंड S2 एक्सटर्नली, ठीक है ना, S1 को इंटरनली टच कर रहा है और S2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन, ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन, और हमेशा कहां से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं, तो एक काम करते हैं अपन, जो हमेशा कहां से पास करता है ओरिजिन से, तो एक काम करते हैं अपन, दोनों सर्कल गिवन है ना, तो एक काम करो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, चलो ये सर्किल क्या है अपना, वो सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0 पर और रेडियस कितना है इसका 3, चले आगे, ये सेंटर कितना है इसका 2, 0, तो इसके अंदर होगा यहां पर और रेडियस कितना है 1, ओहो रेडियस है 1 और सेंटर है 2, 0, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी तो 1 होगी, तो कुछ ऐसे बनेगा सर्किल छोटा सा प्यारा सा, ठीक है ना, तो ये सेंटर हो गया इसका 2, 0। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सॉरी द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल एस, जो टच करता है किसको, इसको तो करता है एक्सटर्नली और बड़े वाले को करता है इंटरनली, तो करें शुरू, देखो करते हैं, वो हमेशा पास किससे करेगा ये बताना है, तो पहले सर्किल का लोकस निकाल लेते हैं ना, लोकस निकाल लेते हैं सर्किल एस का, तो एक काम करो क्या करोगे बताओ, सर्किल मैंने मान लिया ये है, ठीक है, ठीक है ये मान लिया, तो एक बार बताओ मेरे को आप, इसको हटाओ, ठीक है इसका सेंटर मान लिया मैंने, ये क्या है आपका एच कॉमा के, ठीक है सेंटर सर्किल किसका निकालना है मेरे को, लोकस सेंटर का निकालना है ना, तो उसका सेंटर मान लिया मैंने एच कॉमा के, एक काम करते हैं अपन, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, तो आप देखो दो कंडीशन लगानी है आपको, पहली कंडीशन जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, तो एक काम करते हैं पहले एक्सटर्नली जब टच कर रहा है ना, दोनों छोटे छोटे सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना एक्सटर्नली, तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे कि C1 C2 की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर है बात, और दूसरा कंडीशन क्या लगाओगे आप इसमें कि जब C1 C2 है, यानी कि C1 C3 कह लेते हैं अपन, है ना, बड़े वाले सर्किल का मैंने, है ना, इसको अपन ऐसा करते हैं, ये हो गया देखो C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, ठीक है, तो अब बताओ C1 C2 कितना है R1 प्लस R2, C1 C3 कितना होगा, C1 C3 इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, तो एक काम करो आप, C1 C2 कितना हो जाएगा, आपको ये पता है 2, 0, ये पता है H, K, ये क्या है 0, 0, तो अब कर लो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या करोगे आप, एक काम करो छोटा सा, C1 C2 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से फटाफट से मेरे को, H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा K माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि K स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल होगा किसके, R1 प्लस R2, दोनों का रेडियस कितना है बताओ मेरे को, इसका रेडियस अपन मान लेते हैं R, इसका रेडियस मान लेते हैं अपन R, इसका रेडियस गिवन नहीं था ना अपने को, नहीं गिवन नहीं था, तो इसका रेडियस मान लेते हैं अपन R, ठीक है ना, तो इसका रेडियस हो गया R प्लस में कितना आ जाएगा बताओ R2, R2 क्या है अपना 1, तो R2 क्या 1, इसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आएगा अंडर रूट आएगा ना, तो उसका मैंने स्क्वायरिंग कर दी, यहां आ जाओ नीचे C1 C3 बताओ, तो C1 की C3 से डिस्टेंस C2 C3 करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा C2 C3, ठीक है ना C2 C3, तो C2 C3 बताओ कैसे निकालते हैं इसको अपन, याद आ गया इंटरनल टच करता है, तो C2 C3 कितना हो जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा R1 माइनस R2, R1 R1 के किसको ले लें अपन, बड़े वाले को ले लेते हैं, बड़े वाले का रेडियस कितना है 3, तो यहां आ जाएगा 3 माइनस R2 कितना है R, अपने को मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, का होल स्क्वायर, ठीक है ये आ गया, अब एक काम करो ये R प्लस 1 के होल स्क्वायर इक्वल हो गया, ये 3 माइनस R के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल सा काम करना है क्या कि दोनों तरफ इसका करो अंडर रूट लगा लो इसका, है ना
अंडर रूट लगा के आर की वैल्यू क्या करो, यहां से लेके यहां पुट कर दो, आप दोनों क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो आपस में, तो इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एच और के में इक्वेशन आ जाएगी और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, एक लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल है ना, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्किल है ना। तो अब वहां से क्या करना है अपने को, वो कहां से पास कर रहा है अपने को ये निकालना है, तो क्या करोगे इसको सॉल्व करके जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें आप चेक कर लोगे कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्किल दिस। इस सर्किल के दो चीजें हैं, एक तो टेंजेंट और एक नॉर्मल, और साथ में क्या लिया है इन्होंने एक्स एक्सिस, उससे जो बनके एरिया आएगा उनसे जो बाउंडेड एरिया होगा वो अपने को निकालना है। तो एक काम करूं मैं छोटा सा, इस पॉइंट पे निकालनी है अपने को टेंजेंट और नॉर्मल। तो एक काम करूं मैं, इसका सर्किल इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, 2.3 कहां आएगा ये रहा, ये बना दिया मैंने डायग्राम, ठीक है ना। अब ये हो गया 2.3, इसका सेंटर हो गया, यहां ले लेते हैं ना 2.3 लगना चाहिए ना सेंटर है। ठीक है, चलो एक बार और करते हैं, ये ले लिया मैंने ना 2.3। अब ये क्या कह रहा था, 5.7 पे क्या करना है अपने को, टेंजेंट ड्रॉ करनी है और नॉर्मल ड्रॉ करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं अपन, 5.7 यहां मान लिया मैंने, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप तो कुछ ऐसे होगी है, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या होगी, कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ई वाला एरिया निकालना है, कौन सा वाला बताओ अपने को, एरिया कौन सा निकालना है बताओ अपने को, एरिया निकालना है इसमें ये वाला, ठीक है। तो एक काम करें अपन छोटा सा, बताओ क्या करें, ये पॉइंट्स मेरे को मिल जाएं, ये दोनों पॉइंट्स यदि मेरे को मिल जाएं तो मैं क्या निकाल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूंगा। तो एक काम करते हैं, हाइट तो मेरे को पता है, हाइट तो कितनी होगी इसकी, 7, बस बेस नहीं पता तो बेस निकाल रहा हूं ना। तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं दोनों, ये किस पर है, नॉर्मल पर है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको अपन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से भी कर सकते थे बट मैंने ऐसे कर दिया ना सीधे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू m कितना आएगा इसका, 7 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2 तो कितना हो गया, 4/3, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसमें आप y को 0 करोगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, करो कितना आ रहा है, -9/4+2 तो कितना आ गया, -9/4+2 -9+8/2 यानी कि अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/4 आ गया, 0। नेक्स्ट अब अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका स्लोप कितना है, 4/3 नॉर्मल का, तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा, एक्स माइनस में 5 आ जाएगा और यहां वाई माइनस 7 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को पूरा, ठीक है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को, अपने को तो क्या है, सिंपल इंटरसेप्ट निकालने एक्सेस पर। तो बताओ वाई को 0 करोगे तो यहां से एक्स कितना मिल जाएगा, 7/4 = 28, ये कितना आ गया, 28 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 28/3 प्लस 5 करना है अपने को, तो कितना हो गया, 5 + 3 = 15, 43/3 आ गया, ये कितना आ गया, 43/3, 0। क्लियर है, तो अपने को क्या निकालना है, अब हाफ बेस इनटू ऐड कर लोगे एरिया आ जाएगा आराम से। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। चलो देखो इसमें ना ध्यान रखना गलती कहां होती है पता है, कि ये जो आप इसको जोड़ देते हो ना ये यहां से, तो ये माइनस का 1/4 है तो ऐड करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 43/3 + 1/4, ठीक है ना। तो ये होगा इसका बेस इनटू क्या करना पड़ेगा, हाइट, हाइट कितनी है इसकी, 7 इनटू हाफ कर देना, आगे आ जाएगा सॉल्व कर लोगे। चले आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नहीं क्वेश्चन नंबर आएगा पहले अपना कौन सा वाला, 8, ठीक है। इसका कोई भी एक डायमीटर क्या कर रहा है, इज अ कॉर्ड ऑफ द अनदर सर्किल सी, किसी और सर्किल का क्या है कॉर्ड है, देन हू सेंटर इज एट 2.1, देन द रेडियस क्या होगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्किल और उसका जो डायमीटर है वो किसी और सर्किल का क्या है कॉर्ड,
उस सर्किल जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर कहां दे रखा है अपने को 2.1, तो उस सर्किल की क्या निकालनी है अपने को, रेडियस निकालनी है। तो देख लो फटाफट से, ये सर्किल क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 10, यानी कि 4 आ जाएगा, माइनस 10 है ना, तो प्लस का 4 आ गया। अब बताओ मेरे को सिंपल सा कहानी है, एक सर्किल जिसका डायमीटर किसी और के लिए क्या है, कॉर्ड, समझ गए मेरी बात को, तो सिंपल सी है, तो सर्किल बड़ा ही होगा इससे तो, है ना। तो अब देखो एक काम करते हैं अपन, ये जो सर्किल है इसका ये डायमीटर है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या रहा होगा, 1.3 रहा होगा, और अपने को जो रिक्वायर्ड सर्किल है ना उसका सेंटर क्या रखा है 2.1, उसको मान लेता हूं मैं 2.1 ये रहा, ठीक है। अब अपने को इसका रेडियस निकालना है बड़े वाले सर्किल का, तो एक काम करें अपन, इसको मान लेते हैं आर रेडियस को, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे आराम से, निकाल लोगे। अब ये बताओ मेरे को आप, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मैं नाम देता हूं ओ सी एम, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सी एम कितना होगा, सी एम इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल या गिवन सर्किल, तो गिवन सर्किल का रेडियस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से 2 हो जाएगी, ये 2 हो गई, ये डिस्टेंस आप निकाल ही लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से यार, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है अपने को, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ, लेट अ सर्किल सी वन सेंटर्ड एट ए विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन, एनदर सर्किल सी टू विच टचेज सी वन, जो पहले सर्किल सी वन को टच करता है, और लाइंस AD और AB को भी टच करता है स्क्वायर की, और कह रहा है कि ये भी ड्रॉ किया गया, लेट टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट सी टू द सर्कल सी टू मीट द साइड AB एट E, देन द लेंथ ऑफ AB इज दिस। शुरू करते हैं, देखो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक स्क्वायर है अपने पास ABCD, और उस स्क्वायर ABCD में A को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ किया गया जिसकी लेंथ, जिसकी रेडियस कितनी थी 1 यूनिट, यानी क्या मतलब हो गया, जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है उतनी ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक C2 सर्किल ड्रॉ किया है जो C1 को टच करता है और साथ में AD और AB को भी टच करता है, यानी कि साइड्स को टच करता है स्क्वायर की। तो देखो कैसे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं ABCD, ठीक है, इसको नाम दे दिया AB और ये C और ये D, ठीक है, और इसमें इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। तो एक काम करो छोटा सा कि इस स्क्वायर की जो वर्टिसेस हैं उनको अपन किसके मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, यानी कि ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो अब छोटा सा काम क्या हो जाएगा अपना, इससे फायदा ये हो जाएगा, ये पॉइंट निकल के आ गए क्या, 10, 11, 01 एंड 00, क्लियर, ये तो ओरिजिन हो गया, बाकी सब उसके रेस्पेक्ट में 10, 01, 11। अब आपके आगे क्या कह रहा है, ये एक सर्किल C1 ड्रॉ हुआ है जिसका सेंटर क्या है A, सेंटर A मान के मैं यदि सर्किल ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसे आएगा वो, ठीक है। दूसरी बात, C2 एक सर्किल ड्रॉ किया है जो C1 को टच करता है, साथ में AD और AB को भी टच करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सर्किल कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, अब आपसे कह रहा है ये कि इनको टच करने के बाद, अब आपसे कहता है कि एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कहां से, पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रॉ करी, किस पे, सर्किल C2 पर, सर्किल C2 पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो ये आपका सर्किल C1 है और ये सर्किल आपका C2 है, ठीक है। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करी सी से, तो वो कट करती है इसको कहां पर, ई पर, ये पॉइंट ई पर कट करती है। चलो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका ई, ये पॉइंट हो गया आपका ई, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा काम करना है, आपको ये कह रहा है कि EB की लेंथ क्या आ रही है आपके पास, अल्फा प्लस रूट थ्री बी, तो मेरे को EB निकालना है, तो EB निकालने के लिए मैं क्या करूं, पहले AE निकाल लूं, तो AE कैसे निकलेगी, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, आप टेंजेंट की इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दें तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो उसको आप 1 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EB आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो सुनो, सबसे पहले आप इसका सेंटर मान लो, छोटे सर्किल का क्या मान लेते हैं अपन, इस सर्किल के सेंटर को मान लो O, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन P, इस पॉइंट को जहां पर टच कर रहा है, इसका नाम क्या है C। तो एक बात बताओ मेरे को आप, पहली बात तो ये कि जो इसका सेंटर को ज्वाइन किया मैंने मान लो किसके, छोटे सर्किल के, तो ये जो लाइन होगी ये कंप्लीट एक लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताओ पहले तो मेरे को, सोचो क्यों, कि ये पॉइंट क्या है 1.1, ये क्या है एक स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा उसी पे ये सेंटर लाई करेगा,
क्यों? क्योंकि ये सर्किल क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, सर्किल क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है दोनों साइड्स को। तो ये जो लेंथ होगी ये रेडियस है सर्किल का, तो ये भी क्या होगा, रेडियस आर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सेंटर क्या जाएगा इसका, आर कॉमा आर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो सुनो, अब आपको क्या करना है, छोटा सा काम, ए पी, ए पी, ए पी की लेंथ कितनी होगी बताओ मेरे को आप। ए पी की लेंथ होगी आपकी रेडियस ऑफ सर्किल सी वन, और रेडियस ऑफ सर्किल सी वन कितना है, वन यूनिट। ये बात क्लियर है? अब आगे आ जाओ, इस एपी की, एपी की लेंथ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एओ प्लस ओपी, एओ प्लस ओपी लिख सकते हैं बिल्कुल। एओ कितना होगा बताओ आपका, एओ, एओ क्या होगा, ये छोटा सा स्क्वायर बन रहा है, इसमें ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, और ये भी क्या होगी, आर होगी, तो ये कितना आ जाएगा, आर रूट टू। सही है? आगे चलते हैं ओपी के पास, तो ओपी कितना है अपना बताओ, ओपी इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, तो ये कितना हो जाएगा, आर, और ये किसके इक्वल है, वन के, तो यहां से आप आर को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, ये रूट टू माइनस वन आ जाएगा। समझ गए कैसे, रूट टू प्लस वन नीचे जाएगा, उसको रैशनलाइज कर लेंगे अपन, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, रूट टू माइनस वन। अब आर आ गया मेरा रूट टू माइनस वन, तो मेरे को सेंटर मिल गया सर्किल का, और सर्किल का सेंटर मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब एक छोटा सा काम करो आप, देखो क्या करोगे, ठीक है, ये आ गया है ना, ये भी क्या होगा, सर्किल का रेडियस आर होगा, है ना, ये भी छोटे सर्किल का रेडियस आर होगा। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है ना, तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्लोप निकालने जा रहा हूँ, इसका क्या करने जा रहा हूँ, स्लोप निकालने जा रहा हूँ। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं, एंगल अल्फा, है ना, तो टेन अल्फा निकालने जा रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पॉइंट पता है, बस स्लोप मिल जाए तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी इसलिए, ठीक है ना। तो अब ये बताओ मेरे को, ये रेडियस आ गया इसका सर्किल आर, तो आर आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, मेरे को सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया। तो ये अल्फा निकालने के लिए एक काम करो आप, क्या कर सकते हो, देखो ये बताओ, ये एंगल कितना था, 45, क्यों था 45 समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो ये एंगल 45 है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, बीटा, तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस बीटा बराबर अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या कह सकता हूं मैं, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 प्लस बीटा, कह सकते हैं अपन आराम से। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, टेन बीटा की मान लो, तो टेन बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, बेस तो अपने को नहीं पता, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लो आप, क्या, साइन थीटा के लिए, तो साइन बीटा बताओ क्या आ जाएगा, साइन बीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, साइन बीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं, इसको नाम दे दो आप एम, क्या दे दो नाम, एम, तो ओ एम अपॉन ओ सी, ओ एम अपॉन ओ सी। अब आपको ओ एम पता है कितना है बताओ, ओ एम कितना है, ओ एम है आपका आर, ओ सी, ओ सी कितना होगा बताओ जल्दी से फटाफट से मेरे को, ओ सी हो जाएगा आपका कंप्लीट, कितनी होगी लेंथ ये, ए सी, ए सी लेंथ होगी कंप्लीट आपकी, बताओ कितनी होगी लेंथ, ए सी कितनी हो जाएगी आपकी। या तो एक काम कर सकते हो आप, ओसी के लिए क्या कर लो आप, ये आपको पॉइंट, पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बताऊं उसमें लगेगा टाइम, तो एक काम करते हैं मैं, एक मिनट रुको, रूट टू माइनस वन, तो रूट टू माइनस वन माइनस वन, तो रूट टू माइनस टू का होल स्क्वायर, और फिर से रूट टू माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये काम भी कर सकते हो वैसे तो, है ना, लेकिन वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो क्या, कि ये लेंथ आपको चाहिए, तो कंप्लीटली लेंथ कितनी होगी, रूट टू, तो रूट टू में से ये वाली लेंथ माइनस कर दो आप, रूट टू आर, तो क्या हो जाएगी ये, रूट टू माइनस रूट टू, रूट टू समझ गए ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, रूट टू माइनस रूट टू आर, क्योंकि यहां से यहां तक लेंथ कितनी थी, आर और आर, रूट टू आर, ठीक है ना, आर रूट टू, तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये आ गया अपना क्या, साइन बीटा, तो साइन बीटा की हेल्प से क्या निकाल लोगे आप, टेन बीटा निकाल लोगे। अब आपको कुछ खुद से करना है, क्या करना है आपको, देखो यहां से आप टेन ले लो दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन 45 प्लस बीटा, और टेन बीटा की वैल्यू आप यहां से इसमें पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगी उससे आपके पास, स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आने ही क्या कर लेना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या कर लेना, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेना, विच इज द टेंजेंट ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल, तो वहां से आप वाई कोऑर्डिनेट जीरो करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो क्या कर लोगे आप, इसमें इस लेंथ को निकाल लोगे, ईवी को, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखो क्या करना है अपने को, 11 क्वेश्चन में करना है अपने को ये, फॉर ऑल फोर सर्किल्स एम एन ओ एंड पी फॉलोइंग फोर इक्वेशंस आर गिवन, अपने को चार सर्किल दे रखे हैं, ठीक है, इन चार सर्किल्स में क्या कह रहा है आपसे, इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल एम इज जॉइंड विद, इफ द सर्किल सेंटर, इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल एम इज जॉइंड विद द सेंटर, ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि सर्किल एम का जो सेंटर है उसको मैंने एन के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, एन के सेंटर को ओ के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ओ के सेंटर को पी के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, एंड देन लास्ट मैंने क्या किया, पी के सेंटर को एम के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो अब जो
पॉलीगन बनने वाला है, जो पॉलीगन बनने वाला है एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोमबस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये अपने को बताना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन छोटा सा इनका फिगर बना लें, छोटा सा अपन है ना फिगर बना लेते हैं, फिगर 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 बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सर्कल की इक्वेशन देखो, चलो यही बना लें, देखो यही बना लेते हैं ना। तो बताओ पहले वाला सर्किल क्या है, सेंटर 0 0, रेडियस 1। सेकंड सर्किल सेंटर 1 0, रेडियस 1, ठीक है, ये क्या हो गया 1 0। नेक्स्ट सर्किल सेंटर 1 1, रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 1 यूनिट आ जाएगा सेम, तो 1 1 और रेडियस 1, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना अपन, सर्किल में ड्रॉ करो आप इसके ना, सर्किल में ड्रॉ करो क्योंकि अपने को ज्वाइन करना है। तो मैं एक काम करता हूं, छोटा सा मैं सीधे इसको सेंटर से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। तो सेंटर बताओ पहले क्या है, 0 0, ये आ गया 1 0, यहां पर आ गया। थर्ड वाले का सेंटर क्या है, 1 1, क्योंकि अपने को सेंटर से ज्वाइन करना है ना, तो इसलिए क्यों ड्रॉ करें सर्किल पूरा। और इसका सेंटर क्या आ जाएगा, 0 1, दिस इज द सेंटर। तो इनको ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है ये पूछ रहा है आपसे, वो तो दिख गया होगा आपको, 1 1 1 1, समझ गए ना, 1 0 1 1, सारो लेंथ्स क्या है, इक्वल हैं और दे आर परपेंडिकुलर लाइंस है ना विद ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा ये, स्क्वायर बनेगा, सिंपल है क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टू सर्कल्स है ना। तो देखो क्या करेंगे अपन, छोटा सा काम करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 41 इक्वल टू 0। अपने को दो जो सर्किल दे रखे हैं यहाँ पर, उन दोनों सर्किल के लिए अपने को जब भी ये निकालना हो तो ये दोनों सर्किल इसको टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे, इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो क्या करते हैं अपन, जनरली अपन क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, सी वन सी टू निकाल लो आप, दोनों के सेंटर्स के बीच में जो कितनी डिस्टेंस है, और एक आर वन और आर टू आपको पता हो तो आप बता सकते हो कि दो सर्किल टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करें अपन, सी वन सी टू लिख लें। तो बताओ सी वन कितना है इसमें, 5 5, क्लियर होगी बात, हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन। तो सी टू कितना है यहां पर अपना, 11 5, क्लियर। आर वन कितना आएगा बताओ, आर वन आएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 25 और 25 50 50 माइनस 41 कितना आ गया, 9 9 का अंडर रूट 3। आर टू देखो, आर टू क्या आएगा, 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 121 प्लस 25 माइनस 137, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 121 कितना हो गया, 137 हो गया, 147 हो गया ना, कितना हो गया ये, अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 25 माइनस 137, तो ये आ गया आपका 146 आ गया, 146 माइनस ये 3 आ गया है ना, R2 भी कितना आ गया अपना 3, R2 इज 3, ओके। तो एक काम करें अपन छोटा सा, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3 आ गई, R2 की वैल्यू आई है 3, तो कर लो सॉल्व फटाफट से। बताओ C1 C2 कितना आ रहा है इसमें, C1 C2 कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स 36, समझ गए ना, 11 माइनस 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 माइनस 5 0, तो कितना आ गया कुल मिला के, ये 6 आ गया। तो C1 C2 आ रहा है आपका 6, और R1 प्लस R2 चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है, दोनों का सम रेडियस 3 प्लस 3 6 आ रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2, दोनों सर्किल को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो सर्किल हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है आपसे, लेट द टेंजेंट टू द सर्किल दिस वन एट द पॉइंट R 3.4, इस सर्किल पर एक पॉइंट है 3.4, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओपी क्यू, देन आर स्क्वायर कितना होगा। ओके करते हैं, देखो सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे अपन, सर्किल क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसका रेडियस कितना हो गया अपने पास, 5 हो गया, तो ये हो गया 5.0। अब आपसे कह रहा है इस पर एक पॉइंट है 3.4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 3.4 कहीं यहां रहा होगा, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इस टेंजेंट का कह रहा है कि एक्स को कट कर रहे हैं पी और क्यू पर,
तो ट्रायंगल ओपीक्यू जो बन रहा है ना, ये ओपीक्यू इसका जो इन सेंटर होगा उसको सेंटर मानकर, जो इसका इन सेंटर आएगा उसको सेंटर मानकर, और ओरिजिन से पास कर रहा है वो सर्किल, ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका इन सेंटर जो होगा उसको सेंटर मान के जो सर्किल ड्रॉ होगा उसका रेडियस कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले आप देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें पहले अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3.4, बताओ क्या हो जाएगी। इसको पॉइंट पी मान लेते, आर मान लेते हैं, ठीक है ना, आर मान लेते हैं। तो बताओ पॉइंट आर पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट आर, एट पॉइंट आर क्या हो जाएगा बताओ। 3.4 पर 3x एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू 25, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y की वैल्यू जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/3, 0, और x को जीरो करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25/4, तो 0.25/4 ये आ गया। तो एक काम करें अपन, छोटा सा दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, तो इसका इंटर सेंटर क्या होगा, इन सेंटर होगा, देखो इन सेंटर क्या होगा इसका, इन सेंटर i, इन सेंटर मैंने मान लिया i, तो i का कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, क्या होता है फॉर्मूला इन सेंटर का, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें लेंथ ऑफ साइड कितनी है अपने पास, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स है, इसका क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0.0 होंगे, ठीक है ना। तो देखो ये लेंथ कितनी आएगी, 25/3, ये लेंथ कितनी आएगी, 25/4, ये लेंथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, निकालना चाहो निकाल सकते हो बट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों, क्योंकि इस लेंथ का मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके कोऑर्डिनेट से, और ये दोनों क्या है 0, 0, तो जरूरत नहीं है निकालने की अपने को, है ना। तो सीधे लिखो आप यहां पर क्या आ जाएगा, ax1 तो क्या हो जाएगा 25/3 × 0, 0 हो गया, दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, और ये लेंथ कितनी है 25/4 इंटू क्या होगा इसमें 25/4 इंटू क्या होगा इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि 25/3, तो बस एक ही चीज आएगी 25/4 इंटू 25/3 अपॉन में क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 25/, इसको लेंथ को अपन ए बी सी बोलते हैं, ए बी एंड सी, तो नीचे क्या जाएगा, नीचे जाएगा आपका क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी कॉमा, आगे क्या आएगा बताओ y कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, वही सेम चलेगा 25/4 इंटू ये 0 हो जाएगा, 25/3 इंटू इसमें y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, और ये अगेन दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा 0, तो इसमें भी क्या आएगा सेम आएगा, दैट इज 25/4 इंटू 25/3 और अपॉन में क्या आएगा सेम a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है इसमें लेंथ ऑफ साइड्स हैं, क्या क्या 25/3, 25/4 और ये लेंथ, ठीक है ना। अब बताओ ये आ गया इसका सेंटर, अब क्या कह रहा था वो, एक वो सर्किल जो इस, ये सेंटर है उसका, और वो पास कहां से हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल होगा और आई इसका सेंटर होगा, तो क्या करना है अपने को, रेडियस निकालना था, तो इससे अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है किसकी, ओरिजिन से, तो एक कर सकते हो आराम से काम ये वाला, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लोगे आराम से, कर लोगे सॉल्व इसको, है ना, होगा क्या इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बहुत ही सुंदर सी आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, आर स्क्वायर आ जाएगा, कर लोगे आगे सॉल्व। चले आगे नेक्स्ट, चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विद फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके दो टेंजेंट ड्रॉ करिए पॉइंट पी से इस सर्किल पर, ठीक है, सच दैट द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज टेन इनवर्स 12/5, ये क्या है 5 है ना, 12/5, वेयर टेन इनवर्स 12/5 जो है 0 से 5 के बीच में, सही बात है ना, 0 से 5 के बीच में एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज जॉइंटेड बाय सी एंड दीज टेंजेंट टच द सर्किल एट पॉइंट्स ए एंड बी, देन द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी टू द ट्राइंगल सी ए बी। तो एक काम करते हैं शुरू, देखो सबसे पहले तो एक काम करो, इसका अपन डायग्राम बना ले, एक सर्किल, सर्किल दिखाया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्किल दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1.2 इसका सेंटर हो गया और रेडियस कितना आ जाएगा इसका 1, सेंटर क्या आ गया इसका 1.2, सेंटर क्या आ गया इसका 1.2, सेंटर क्या आ गया इसका 1.2 और रेडियस क्या हो गया इसका आर, बताओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया 5, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, तो रेडियस इज आल्सो 1,
तो रेडियस 1 हो गया और सेंटर क्या हो गया 1,2, ठीक है। और एंगल कितना है अपना, 10 इनवर्स, इसको भी लिख लेते हैं अपन, 10 इनवर्स 12/5। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, आ जाओ। तो अब बताओ मेरे को सेंटर क्या है इसका, 1,2, और रेडियस कितना है इसका, 1। तो अब मैंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है ना, आई हैव ड्रॉन टू टेंजेंट्स टू दिस सर्कल, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट है क्या P, और ये पॉइंट्स क्या है A और B। अब अपने से पता क्या कह रहा था, अपने से ये कह रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सेंटर क्या है इसका C, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB का रेशियो निकालना है किसके साथ, CAB के साथ। तो एक काम करूंगा छोटा सा, एरिया निकालना है तो पहले से ज्वाइन कर दो आप सेंटर से, क्लियर। और ये एंगल जो है वो कितना दिखाया अपने को, 10 इनवर्स 12/5। तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये एंगल यदि 12/5 है, ये एंगल यदि 10 इनवर्स 12/5 है, इसको मैं थीटा मान लूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो दैट मींस हमने क्या गिवन है, 2 थीटा गिवन है, कितना, 10 इनवर्स 12/5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 टू थीटा कितना आ गया, 12/5। तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 tan θ / 1 - tan²θ, फॉर्मूला याद है सबको, है ना, 12/5 हो गया। तो यहां से क्या करें, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो 5 × 2 = 10 और ये 12, तो ये आ गया 12 tan² + tan θ - 12 = 0। तो 12 × 12 कितना हो गया, 144, 18 × 9 = 144, तो 12 tan²θ प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे ना, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 18 tan θ - 8 tan θ, तो प्लस का 18 यानी कॉमन आ गया यहां से, 6 tan θ प्लस कितना बचेगा, प्लस का 18, 6 × 3 = 18, सही है ना, 18, तो 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18। और यहां से क्या कॉमन आएगा, -8 tan, यानी कि माइनस का 2 आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्या आएगा यहां पर, माइनस का 2, है ना, माइनस का 2। और यहां पर क्या बचा अपना, यहां बचेगा माइनस का 2, 4 आएगा ये, है ना, 4 आएगा। और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर आएगा अपना माइनस का 10, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 4 × 2 = 8, तो 2 tan - 2 = 12, ये आएगा। निकाल लोगे फैक्टर सारम से। अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, टेन थीटा की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 4/6 और एक आ गई 3/2, -10 प्लस आएगी, -3/2, ठीक है। अब 10 की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 4/6 दैट इज 2/3 और एक आ रहा है अपना -3/2। तो एक बात बताओ मेरे को, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब आपसे देखो टेन थीटा क्या था अपना, थीटा, थीटा किस रेंज में लाई, 2 थीटा किस रेंज में लाई कर रहा है, 0 से π में। तो 2 थीटा यदि 0 से π में, तो थीटा किस में लाई करेगा, 0 से π/2, और 0 से π/2 में क्या होगा अपना 2/3, तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू होगी ना 2/3। तो अपने को क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, 2/3, बस आपका आ गया आंसर। कैसे, सुनो अब ध्यान से, टेन थीटा यदि 2/3 है, तो अब देखो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ये तो आपको पता ही है सारा, है ना सब कुछ। एक काम करो, ये आपको एक काम करो, यस, एक काम करते हैं अपन, इसको पॉइंट मान लेते हैं अपन एम, इसको पॉइंट मान लेते हैं अपन एम। तो ये बताओ ये जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी है, 1 यूनिट, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 - θ, ये 90 - θ, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल थीटा आ गया। और टेन थीटा अपने को पता है, तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा आपको, टेन थीटा पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक काम करो ना, टेन थीटा आपको पता है तो इससे क्या निकालोगे आप, साइन थीटा निकालोगे, तो साइन थीटा की हेल्प से क्या हो जाएगा, यहां से बताओ जरा मेरे को, बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, सी ए दैट इज 1, क्लियर। तो सी एम कितना आ गया यहां से, सी एम आ गया आपका साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 × 4 और 3 × 3 = 9, √13, तो ये आ गया परपेंडिकुलर इसका साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √13, ये क्लियर है सबको, सी एम, तो सी एम आ गया। तो अब एक काम कर सकते हैं अपन, छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा वाला, ए सी बी, इस ट्रायंगल में आपको हाइट मिल गई, बस क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए, क्या चाहिए अपने को, बेस। तो बेस निकालने का तरीका क्या करेंगे अपन बताओ, ऐसे कर दो सीधे पाइथागोरस से, 1² - CM² / √, तो ये आ जाएगा एम ए दैट इज ए एम, और ए एम का डबल कर दोगे क्या मिल जाएगा आपको, ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी आने के बाद क्या करोगे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी के लिए क्या करूं मैं, फिर से वही, बेस आपको पता है, हाइट नहीं पता, तो हाइट के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा, ये आपने निकाला ही अभी अभी, तो क्या निकाल लोगे आप, परपेंडिकुलर, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको आ गया, बेस आप निकाल लोगे आराम से, है ना। तो कर दूं छोटा सा और,
कर लोगे इसको, 2 अपन रूट 13 आ गया, सी एम, सी एम आने के बाद आप क्या निकालना है आपको, ए एम, बताओ ए एम क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 अपॉन 13, तो 1 माइनस 4 अपॉन 13 हो गया 9 अपॉन 13, यानी कि आ गया 3 अपॉन रूट 13, कितना आ गया 3 अपॉन रूट 13 ए एम, तो ए एम भी आ चुका है, तो ए एम ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी आ जाएगा, और ए बी कितना आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन रूट 13, तो ए बी आ गया, तो एक काम करें मैं थोड़ा सा, है ना, अब मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां कर दूं थोड़ा सा, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए एम पी, ए एम पी, बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका ए एम अपॉन पी एम, सही है ना, ए एम अपॉन पी एम, तो कितना आ जाएगा यहां से, टेन थीटा, टेन थीटा आ गया आपका, टेन थीटा कितना था आपका 2/3, ए एम कितना आया था अभी आपका, ए एम आया था 3 अपॉन रूट 13, पी एम कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो यहां से, ठीक है, तो पी एम आ गया आपका 3 3 9 9 अपॉन 2 रूट 13, तो पी एम आ गया, तो क्या कर लो, अब तो कर लोगे हाफ बेस इनटू हाइट से दोनों, ठीक है, रेशियो निकाल लोगे आराम से, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा देख लेते हैं, तो ऑप्शन है इसके 11:4 ये है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 9:4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 9:4 आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, चले आगे नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है आपसे, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी टू सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर गिवन, दो एक सर्कल अपने को दे रखे हैं, इन दो सर्कल पे अपने को क्या करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, तो देखो क्या करेंगे सर, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स टू सेंटर्स इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का जो एवरेज है, दोनों का जो एवरेज है किसका, रेडियस का, आर वन और आर टू का, पहले लिख लें इसको, बताओ सी वन सेंटर क्या है इसका 5.5, और रेडियस कितना आएगा इसका, रेडियस आ जाएगा 25 और 25, 3 आ गया रेडियस, ये सर्कल, ये क्वेश्चन क्या है सेम है, कौन सा जस्ट अभी जो किया था, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है अपना 8.5, तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका 64 माइनस, यानी कि हो गया 16 25 9, 3 आ गया इसका रेडियस भी, कितना आ गया 3 आ गया, तो क्या करना है अपने को बताओ, C1 C2 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करो, C1 C2 आ रहा है अपना, ये है C1 और ये है C2, ये है R1 और ये है R2, ठीक है, तो एक काम करो, है ना, अब आ जाओ C1 C2 बताओ कितना आ जाएगा, C1 C2 आ गया अपना 8 माइनस 3, यानी कि 3 आ जाएगा, ये तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है सेम, और बताओ R1 प्लस R2 कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 6, इसका मतलब क्या हो गया कि C1 C2 लेस देन है किससे, R1 प्लस R2 से, इसका मतलब क्या है दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, और R1 प्लस R2 कितना आएगा, दोनों का रेडियस क्या है सेम है, दोनों का रेडियस क्या है सेम, तो दोनों क्या करेंगे दूसरे को 0 आ रहा है ना R1 प्लस R2, यानी क्या हो गया दोनों के दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे होंगे, तो एक काम करते हैं अपन छोटा सा, है ना, एक काम कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन पे जाते हैं लौट कर, हाँ तो क्या कह रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बोथ सर्किल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर, और इसमें क्या करना था मेरे को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, है ना, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन अपना सही है, सर्किल हैव टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ये भी सही है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज एवरेज ऑफ देयर रेडियाई, ये चेक कर लेते हैं अपन, तो दोनों का C1 C2 कितना आया था 3, और रेडियस का इसका एवरेज लोगे आप तो R1 प्लस R2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा यहां से 3 आ गया, ये भी, तो ये भी ऑप्शन अपना सही है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है अपना, सिर्फ थर्ड वाला, क्या है, बोथ सर्कल सेंटर्स लाई इनसाइड द रीजन ऑफ वन अदर, ना अंदर लाई नहीं करते, किस पे लाई करते हैं, ऑन द सर्कल, है ना, एक दूसरे क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं कहां से, सेंटर ऑफ टू सर्कल, चले आगे नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16, द लाइन 2x - y + 1 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट 2.5 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है, देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, तो एक काम करो, सर्किल अपने पास है कोई, और सर्किल का क्या कह रहा है वो, जो सर्किल है ना उसके पॉइंट 2.5 पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है और उसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन, है ना, एक सर्कल, सर्कल पे एक पॉइंट है 2.5 और इस पर एक अपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन अपने को दे रखी है 2x - y + 1 = 0, अभी आपसे कह रहा है कि एंड द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन x - 2y, ये लाइन है कोई 2x - 2y + 4, तो एक काम करते हैं,
यहां लिख लेते हैं दोबारा से ना, एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई ना, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ये लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन पे क्या लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ सर्किल। तो बताओ क्या करना है, करना है अपने को रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, निकाल दो फटाफट से, आसान है। तो बताओ क्या करेंगे, ये सेंटर है ये रेडियस है, तो ये आर हो गया पहली बात, तो ये क्या हो गया आर हो गया। तो एक काम करते हैं ना अपन, ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, टू टू जो फोर कर रहा है ना, कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं ना अपन, इसका जो सेंटर है वो इस पे लाई कर रहा है लाइन पर, तो एक काम करो इसको मान लो अल्फा कॉमा क्या हो जाएगा, ऐसा करो वाई में मान लो है ना, वाई को मान लो अल्फा, तो क्या हो जाएगा टू अल्फा प्लस फोर, तो टू अल्फा प्लस फोर आ जाएगा। तो कितना हो गया ये टू अल्फा प्लस फोर कॉमा अल्फा, ये आ गया इसका सेंटर, क्लियर। अब ये बताओ ये एंगल कितना है 90 डिग्री, सेंटर को मान लो ओ, इस पॉइंट को मान लो पी, तो मैं क्या कह सकता हूं स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है यहां पर देखो ध्यान से टू, तो माइनस वन अपॉन टू हो गया। तो स्लोप ऑफ ओपी कितना होगा बताओ, फाइव माइनस अल्फा अपॉन टू माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का टू अल्फा माइनस टू इक्वल टू कितना हो गया माइनस हाफ, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो आप, क्लियर। चले आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 17, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P1 एंड P2 व्हाइल कंसीडरिंग पॉइंट P1 ऑन फर्स्ट सर्किल एंड P2 ऑन सेकंड सर्किल। तो देखो सर्किल के अपने को ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, सर्किल में कैसे बन रहे हैं, ये सर्किल का सेंटर क्या है आपको दिख रहा है, इसका हाफ कर दो 5.5 और रेडियस कितना आ रहा है इसका 3 आएगा है ना, और इसका सेंटर क्या आ रहा है देखो 12.5 और रेडियस इसका भी क्या आएगा 3 आएगा। तो एक काम करते हैं ड्रॉ करते हैं, तो इसका सेंटर क्या है 12.5, तो 12.5 यहां मान लें 12.5 और रेडियस कितना है इसका 3, रेडियस इसका 3, और दूसरा सर्किल क्या है सेंटर क्या है 5.5, तो 5.5 यहां मान लें और रेडियस कितना है इसका, इसका भी 3 है, तो कहीं ऐसे बना होगा है ना, ये है 5.5, मतलब ये इसको टच नहीं करेगा है ना वाई एक्सिस को, और ऊपर भी रहेगा कितना यूनिट ऊपर रहेगा 2 यूनिट, ठीक है आगे चलो। तो अब आपसे पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है किसमें, P1 और P2 बीच में, तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाली हो सकती है जब दोनों क्या है कॉमन नॉर्मल पे लाई करेगा क्या पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो एक काम करो ये डिस्टेंस कितनी है 3, ये डिस्टेंस कितनी है 3, और एक बात बताओ मेरे को आप, मैं यदि बात करूं किसकी इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 12, और मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी यहां से यहां तक ये, तो ये कितनी है 5, तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया 7 हो गया, 7 में से 6 घटा दो आप क्योंकि 3 ये और 3 ये, तो कितना बचेगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बचेगा आपका 1 यूनिट। तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन है ना, इसमें आपको C1 C2 की जरूरत नहीं है। चले आगे नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ लेट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेड बाय द सर्किल दिस, इस सर्किल से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बने हुए हैं वो क्या है अपने 2√2 और 2√5। तो कह रहा है कि देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट टू अ टेंजेंट टू दिस सर्कल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज इक्वल टू, तो करते हैं। तो सबसे पहले एक बात आओ मेरे को, एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, सर्किल जब भी अपने को एक्स एक्सिस पर कट करता है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है 2√g²-c, ठीक है समझ आता है ना कैसे करते हैं, वाई को जीरो कर दो आ जाएगा, तो 2√g²-c कितना देखा है अपने को 2√2, साथ में वाई इंटरसेप्ट की बात करूं मैं तो वाई इंटरसेप्ट कितना होता है 2√f²-c, ये क्या हो जाएगा 2√5, सही है। तो एक काम करें अपन, छोटा सा एक काम करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू। तो बताओ जी कितना है यहां पर, जी है अपना a/2, जी क्या है माइनस a/2, तो माइनस a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a²/4, माइनस सी कितना है यहां पर, सी तो सी है इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मैंने क्या किया 2 से 2 कट कर दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए ना। दूसरी इक्वेशन बताओ f कितना है यहां पर 2a, तो 2a का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा a, और a का माइनस साइन तो माइनस a, तो माइनस a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a²-c, सी तो सी है इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इसको आप सॉल्व कर लो। बताओ क्या करें, इसमें से इसको घटा दें तो कितना बचेगा 3/4 a²=5-2, कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +-2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ रही है +-2, तो अपन एक काम करते हैं। अब ये क्या कह रहा था आगे, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट टू द सर्कल, ओके तो अभी कह रहा है आपसे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है,
टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है इस सर्कल की जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो अपने को क्या मिल गया, पॉइंट पॉइंट बी मिल जाएगा, क्या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात। क्या देखो, एक सर्कल ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, यानी कि जीरो जीरो से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर अपने को एक लाइन फाइंड करना, लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसका जो स्लोप है ना वो क्या है अपना, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन। तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना हो गया आपके पास, स्लोप हो गया आपके पास माइनस, ये कितना है, ये है आपका माइनस एक्स, माइनस हाफ। तो एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, इसको हटा दूं मैं यहां से, है ना, ये निकला है, एक ही वैल्यू निकला है प्लस माइनस हाफ, तो एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं यहां से, है ना। है ना, इसको हटा देते हैं, चलो आ जाओ। तो एक वैल्यू प्लस माइनस आ गई, अब देखो करो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, बताओ स्लोप क्या है इसका, क्या लेना है आपको, इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, प्लस हाफ विद नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा, टू, माइनस हाफ का माइनस टू, और माइनस टू का माइनस टू, तो स्लोप कितना आ गया इसका, टू आ गया, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू आ गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या है, टेंजेंट टू सर्कल है, तो अब अपने को पता है ए की वैल्यू आप उठा के यहां से यहां रख दोगे, और ए की वैल्यू यहां से पहले यहां रख देना है ना, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो अच्छा ए क्या है, नेगेटिव है ना, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव नहीं लेना, क्या लेना है, सिर्फ नेगेटिव, तो ए की वैल्यू क्या लोगे, सिर्फ माइनस टू, तो ए की वैल्यू माइनस टू रख देनी है यहां पर, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए और सी की वैल्यू यहां रख दोगे तो सर्कल की इक्वेशन मिल गई। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां से वैल्यू, जैसी वैल्यू मिले तो आपको पता है कि इसके सेंटर से इसकी लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वल टू रेडियस, तो वहां से ये सी मिल जाएगा, और सी मिल जाएगा तो अपने को क्या मिल गया, मिनिमम डिस्टेंस, कैसे, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, तो पॉइंट क्या है अपना, जीरो जीरो, लाइन क्या है अपनी, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, और इस सी की वैल्यू, ये सी जो है वो सी वन है ना, सी वन, ये वो सी नहीं है, ठीक है, तो सी वन, तो सी वन की वैल्यू आपको निकालनी है किससे, याद आ गया ना, पी इक्वल टू आर, सेंटर से टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इक्वल टू रेडियस, तो वहां से सी वन आ जाएगा, सी वन आ जाएगा, तो यहां पुट करते क्या मिल जाएगा अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल जाएगा आराम से, मिनिमम डिस्टेंस। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 19 में, तो क्या कह रहा है, लेट अ पॉइंट पी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5,0 इज थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट -5,0। देखो ये कह रहा है आपसे कि एक कोई पॉइंट है एक्स वाई मान लेते हैं अपन उसको, तो एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है वो थ्री टाइम्स है किससे, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट -5,0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इफ द लोकस ऑफ पी इज अ सर्कल देन रेडियस ऑफ सर्कल आर क्या होगा, तो एक काम करते हैं छोटा सा, अपन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 90x प्लस 25 सही है ना, अच्छा 9 है ना, तो 9 है तो क्या हो जाएगा, 25 9 जा 225 आ जाएगा ना यहाँ पर, सही है, कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा यहाँ से, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 100x प्लस 200 इक्वल टू 0, ये आ गया, सही है। अब अपने को क्या करना है बताओ, ऐसा करो 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 एक्स प्लस, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये सर्कल की क्वेश्चन आ गई, अब बताओ क्या कह रहा है ये, बिंदु पी का बिंदु आज निकाल लोगे आराम से, रेडियस कर लोगे आराम से, है ना, चले आगे, 4r स्क्वायर निकालना है आपको इसमें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r देन r इज इक्वल टू, देखो एक सर्कल है और एक कोई पॉइंट है 3,2 उससे क्या कर दिया इस पे किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है ना किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मतलब ये कहने का मतलब एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इसका सेंटर क्या हो गया 0,0 और रेडियस कितना हो गया इसका 1 तो मान लो इस पॉइंट से मैंने किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ये पॉइंट क्या है अपना 3,2 इसको मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया
और अब ये कह रहा है आपसे कि इसका जो मिड पॉइंट है ना इस लाइन सेगमेंट का, तो जो मिड पॉइंट है उसका जो लोकस है, यानी कि इसका मिड पॉइंट पी मान लिया, इसका पॉइंट मान लिया एच कॉमा के, और ये क्यू और ये आर, ठीक है। तो क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, पी, जिसका लोकस अपने को फाइंड करना है। तो उस वो ये क्या बनता है, सर्किल, तो उसका रेडियस निकालना है अपने को आर। तो समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, सर्किल गिवन है अपने को, इसका सेंटर भी पता है, उसका रेडियस भी पता है, और अपने को क्या निकालना है, इसका लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। तो कुछ भी नहीं करना अपने को, छोटा सा काम करना है, आर पॉइंट लेट कर लेते हैं हम सर्किल पर। क्या लेट करते हैं हम, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, जिसका रेडियस क्या होता है आर, यहां रेडियस कितना है इसका, वन यूनिट। तो अपन क्या मान लेंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल टू एच आ जाएगा, साथ में साइन थीटा प्लस टू अपॉन टू इक्वल टू के आ जाएगा। यहां से अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2h माइनस 3 आ जाएगी। यहां से अपन साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 2। सिंपल, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये जो पैरामीटर थीटा है वो गायब हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 2h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसका अपने को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करते हैं बताओ, इसको 4 से डिवाइड करते हैं अपन। Yes. मतलब 2 कॉमन ले लो तो 4 चला जाएगा बाहर, तो वहां जाके क्या हो जाएगा 1/4, तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका, हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो ये था अपना गुरुनीति का जेई मेन के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें अपने चैप्टर लिया था सर्किल। तो आप इसमें क्वेश्चन कर लें, है ना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना पैराबोला लिप्स हाइपरबोला, उसको ओपन करते हैं, ठीक है। बाकी सर्किल के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, ठीक है। थैंक यू।